गांधी जी को माला पहना दीजिए और फिर वहाँ से ऐसे निकलिए जैसे कि अगले मोड़ पे कोई मूर्ति हो, गांधी जी का प्रतिमा हो, तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा हो। तो वो उस स्टैचू का कोई लेना देना नहीं है, उस मूर्ति का कोई लेना देना नहीं है। वो गांधी जो वहाँ लगे हैं वो गांधी नहीं है, गांधी रग में है, गांधी विचार में थे। जहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देश में आज महात्मा गांधी की जयंती, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जा रही है। तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन आज हम राजधानी पटना के लोगों से बात करेंगे कि गांधी जी के विचारों से कितनी सीख मिलती है। क्या लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं? क्या कुछ उनके बारे में पढ़े हैं? क्या कुछ जानते हैं? आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। आज के दिन आए थे, मतलब पृथ्वी पर आए थे बापू, इसीलिए। अच्छा, उनके जो विचार थे, क्या लगता है अभी के युवा उनके विचार या फिर गांधी जी के बारे में जानना पसंद नहीं करते हैं या फिर? देखिए, सब हर युवा के विचार अपने अलग अलग होते हैं, ये भी बात है। अब कोई गांधी जी को मानता है, कोई चंद्रशेखर आजाद को मानता है, कोई सुभाष चंद्र बोस को मानता है। आप किसको मानते हैं? आप किसको मानते हैं? मैं सबको मानता हूँ, सबसे सहमत हूँ। आज़ादी तो दोनों ने दिलाई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बापू का योगदान नहीं रहा आज़ादी दिलाने में। नहीं, क्यों नहीं रहा? जरूर रहा। आखिर सत्य, अहिंसा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, ये सब उन्हीं ने तो किया। तभी तो क्विट इंडिया मूवमेंट, इतने सारे मूवमेंट किए। तब बस अंतर यही था कि उन्होंने अहिंसापूर्वक विरोध, शांतिपूर्वक विरोध किया, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं किया। बस यही थी उनकी, बस अहिंसा के पुजारी, सत्य और अहिंसा के पुजारी उन्हें ही कहा जाता है। आपको पता है एक और महापुरुष के आज जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनके जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। वो जो जब स्कूल में थे तो तैर के, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो नाव के ले जाए, तो तैर के गंगा पार करते थे, गंगा पार करके स्कूल जाते थे। फिर और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि जब वो प्रधानमंत्री जब हुए थे, तो वो इनके फिर भी वो उन्होंने अपनी अपने एक पिता की जिम्मेदारी निभाई थी और जाके खुद स्कूल जाके अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड खुद लिए थे। उनके बच्चों के क्लास टीचर ने उनसे ये भी कहा था कि आपको आने की क्या ज़रूरत थी, आप चाहते तो अब मैं ही आपके घर भेज देती या फिर आपको स्टाफ को अपने भेज देते। फिर भी लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं जो करते आया हूँ वैसे ही करते रहूँगा। और यहाँ तक कि अपनी गाड़ी भी स्कूल कैंपस में नहीं घुसने दी, स्कूल कैंपस के मतलब बाहरी मतलब लगाया, जैसे और सब बाकी सारे पेरेंट्स की गाड़ी लग रहे थे। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं उनकी। एक कहानी शायद एक वैसी भी है कि वो जब गृहमंत्री थे, तो जब गृहमंत्री थे तो उनके बच्चे थे तो टमटम से जाते थे, और उनके बाकी जो उनके ऑफिसर्स थे जो नीचे काम करते थे वो सब मतलब उससे जाते थे गाड़ी से जाते थे। तो एक बार उनके बच्चों ने जिद की तो उन्होंने कार लोन लेके एक गाड़ी भी खरीदी थी। तो वो गाड़ी जब उनकी जब मृत्यु हो गई, फिर भी उनकी पत्नी ने वो लोन भरा था। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये भी कहा था कि लोन माफ़ कर देने को, लेकिन उनकी पत्नी ने नहीं कहा और उनकी मृत्यु के 4 साल बाद भी लोन भरती रही। होना चाहिए, गांधी जी ने इतना बड़ा योगदान दिया अपना देश के लिए, अमल तो करना चाहिए सबको। सब युवाओं को सोचना चाहिए कि गांधी जी के सिखाए गए राह पे चले हम लोग। गांधी जी को पूज्य बापू का नाम किसने दिया था? इतना हिस्ट्री तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप युवा हैं, गांधी जी के जितने भी विचार रहे हैं, क्या उनके विचारों से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं। क्या कुछ 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 विचारों से हम सहमत नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ जो है कि सहमत करने लायक है। क्या सीख मिलती है? बहुत ही अच्छी सीख मिलती है, अब डिटेल में तो इतना नहीं बताना। हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए थे वो, मतलब राष्ट्रपिता थे। और राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है उनको? हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए थे और क्या। अच्छा, उनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? क्यों? अरे बताएं तो, राष्ट्रपिता थे देश के लिए, के तो क्यों मनाया जाता? जन्मदिन है तो जन्मदिन ही मनाया जाएगा। मतलब उनके कुछ विचार होंगे, उनके बारे में आप पढ़े हैं गांधी जी के बारे में? बस जो जानते थे बता दिए आप लोग को। क्या पढ़े, मतलब बचपन में कुछ तो पढ़े होंगे? बस यही सब जानते। फेस्टिवल कोई भी हो, मनाने से उसका महत्व नहीं आता है आपके अंदर। अगर आप गांधी जयंती मनाते हैं तो वो फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं आप। उनके विचारों का आपके अंदर, आपके व्यवहार में, आपके समझ में कोई लेना देना नहीं होता है। गांधी जी ने तो ऐसी बहुत सी बातें कही हैं, बहुत से ऐसे उनके विचार हैं जो समाज में तो छोड़ी हमारे अंदर नहीं है। वो
और रही बात सरकार की, तो सरकार का तो हम क्या बोले, अगर बोलेंगे तो फिर सरकार तो चाहती है कि आने वाले कुछ वर्षों में अगर हमारा एक छत्र राज हो तो हम नोट से गांधी जी को हटा के खुद नोट पे आके बैठ जाएं। क्या गलत बोल रहे हैं बताइए? सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि गांधी को नोट से हटा दें और मैं खुद नोट पे आ जाऊं, कुछ ऐसा करूं कमाल की नोट पे आ जाऊं भैया हम, है कि नहीं है? एक तरफ गांधी जी के हत्यारे को समझ ही रहे हैं, गांधी जी के हत्यारे के साथ क्या अभी जो सरकार आई वो क्या कर रही है, क्या की है उनके लिए। लोग इस पे कहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे जैसे ही लोग, हम ही नहीं, हमारे जैसे ही लोग कहते हैं कि नहीं गांधी की हत्या सही हुई है, कहते हैं ना, सरकार बाकायदा उनके लिए कुछ करती भी है, की है ना, पता है ना। तो गांधी जयंती एक फेस्टिवल की तरह हो चला है लोगों के लिए, जो कि बहुत दुखद है, बहुत दुखद स्थिति है ये। युवाओं के लिए क्या संदेश है आपके माध्यम? युवाओं के लिए संदेश यही है कि शब्द पे ना जाएं, शब्द के मर्म पे जाएं, और मर्म अगर कोई महापुरुष आपको बता के गए हैं कुछ शब्द, तो उसका मर्म आपके जीवन के लिए, आपके समाज के लिए बेहतर की दिशा देने की है, ना कि बस उठिए गांधी जयंती पे जाके गांधी जी को माला पहना दीजिए और फिर वहाँ से ऐसे निकलिए जैसे कि अगले मोड़ पे कोई मूर्ति हो, गांधी जी का प्रतिमा हो, तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा हो। तो वो उस स्टैचू का कोई लेना देना नहीं है, उस मूर्ति का कोई लेना देना नहीं है, वो गांधी जो वहाँ लगे हैं वो गांधी नहीं है, गांधी रग में है, गांधी विचार में थे, जहाँ से हटाने की लगातार कोशिश है, और ये कोशिशें तब तक चलती रहेंगी जब तक कि गांधी हट के कोई और नए आधुनिक गांधी ना आ जाए, जो कि हमारी सरकार करती है। और बाकी तो भैया जानते हैं कि हम तो अच्छे से जानते हैं कि हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, नहीं तो ये कुछ ऐसे भी विचारधारा के लोग हैं जो हमको अब तब मार बैठेंगे, ऐसे उनकी स्थिति होती है। कुछ दिन पहले की बात है, एक जगह ये भी जानते हैं कौन सी जगह हम लोग ज़्यादा उठते बैठते हैं, क्या भाई साहब, तो कुछ बातें चल रही थी तो लिटरली गांधी को गलिया रहे थे, और हमको नहीं लगता है, ये हम ही को नहीं, हर बुद्धिजीवी, हर समझदार पुरुष को या महिला को या देशभक्त को ये लगता है कि गांधी न होते तो शायद आज़ादी इतनी जल्दी नहीं मिलती, है कि नहीं। गांधी इस भारत का कभी रूप नहीं सोचे होंगे, नहीं तो वो कभी नहीं चाहते, मुझे नहीं लगता है कि वो चाहते कि आज़ाद हो जाए। ना आर्थिक आज़ादी मिली, ना मानसिक आज़ादी मिली, एक आज़ादी शारीरिक मिली। आज़ादी का मतलब, एक आज़ादी क्या है, आज़ादी क्या है? अरे पहले भी राजतंत्र था, आज भी राजतंत्र है, आज भी, पहले राजा के फरमान पे सीधे हत्याएं होती थी, आज भी राजा के फरमान पे सीधे हत्याएं होती है, कल भी हत्याएं सिर्फ राजतंत्र में हत्याएं सिर्फ सत्ता के लिए हुआ करती थी, कुर्सी के लिए हुआ करती थी, आज भी वही हुआ करती है। पहले सवाल कम होता था हत्या पे, राजतंत्र की जो बात है वो हत्या सवाल कम होता था उस पे, लेकिन लोकतंत्र में सुना महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को लेकर पटना के लोगों ने क्या कुछ कहा है। आज देश में 152वीं जयंती महात्मा गांधी की है, तो वहीं बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, तो उनकी भी जयंती आज देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। लगातार जो खबरें हैं वो आपको बताते रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।